नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लाप्लाशियन ऑफ स्केलर। ओके, तो इससे पहले मैंने दोस्तों आप लोगों को क्या दिखाया था, यहाँ पर हम वापस से एक बार लौट के चलते हैं अपने मेन टेबल पे। तो मैंने आप लोगों को समझाया था यहाँ पे जब हम डेल ऑपरेटर को खुद डेल ऑपरेटर से उसके डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड स्केलर, एंड इसे और लाप्लाशियन ऑपरेटर भी बोलते हैं डेल स्क्वायर को, है ना। तो क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों लाप्लाशियन ऑपरेटर बेसिकली हार्मोनिक्स के लिए यूज़ करते हैं कि अगर कि हार्मोनिक्स हैं या नहीं है किसी स्केलर क्वांटिटी के, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो लाप्लाशियन ऑफ ए स्केलर किस तरह, ये लाप्लाशियन ऑफ ए स्केलर ऑफ किसी भी फील्ड का है, किसी भी वेक्टर स्केलर फील्ड है वी के लिए, तो जो इसका लाप्लाशियन होता है डेल स्क्वायर वी से डिनोट किया जाता है, जो बताता है डाइवर्जेंस। ओके, डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट डेल वी, डाइवर्जेंस डॉट कर प्रोडक्ट करते हो तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, एंड यहाँ पर जो है ये जो स्केलर के साथ ऑपरेट करते हो दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो ये क्या बताता है, डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ वी, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ वी, है ना, ये जो चीज़ है क्योंकि आप स्केलर के साथ यूज़ कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तब उसके बाद जो है ये क्या निकल के आता है, दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस। ओके, और जो फाइनली आपको निकल के आएगा डेल स्क्वायर वी निकल के आएगा, और डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो जहाँ पे हो जाता है, कुछ स्पेशल फील्ड्स होते हैं जहाँ पे हो जाता है, इसे लाप्लाशियन इक्वेशन बोलते हैं। तो जिसका सॉल्यूशन निकल के आता है वो हार्मोनिक्स देता है, यानी साइन या कोसाइन फंक्शंस की फॉर्मेशन करता है, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसको अगर आपको बनाना है तो सिंपली पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटीज़ में लाओगे, है ना। स्केलर का मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था, ध्यान दो स्केलर्स का, कैसे मैंने स्केलर आप लोगों को बताया था कि जब यहाँ पर जो है ग्रेडियंट लोगे, यहाँ पर ग्रेडियंट का भी मैंने समझाया था आप लोगों को ये वाला, ठीक है ना। तो ये जो है ये तीन वैक्टर्स हैं, है ना, दिस इज द कार्डिनल सिस्टम, दिस इज इन द सिलेंड्रिकल सिस्टम, दिस इज इन द स्फेरिकल सिस्टम। इन तीनों सिस्टम्स के अंदर जो है जो आपका ये रहता है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको दी थी, उसमें इस तरह यूज़ किया जाता है, और इसके बाद उसको जो है डाइवर्जेंस लेना है, जो आपका निकल के आएगा ना उसका डाइवर्जेंस इस फॉर्मूले को यूज़ करना, उसमें शॉर्ट ट्रिक को यूज़ कर लेना, और ये इन तीनों को यूज़ करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये आपको इक्वेशंस मिल के आएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो इक्वेशंस निकल के आएंगी लाप्लाशियन वाली, वो ये वाली निकल के आएंगी ये, ठीक है ना। कार्टिजन का तो आसान है, सिंपली आसान है कि आप जो दो बार उसको डिफरेंशिएट करने हैं ना, एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में, और डेल स्क्वायर वी में वन अपॉन रो आएगा, यहाँ पर रो डेल वी ओवर डेल रो आ जाएगा, है ना, यहाँ पे वन अपॉन रो का होल स्क्वायर आ जाएगा, डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर, और ये जेड डायरेक्शन में ये आपका जो है इसके लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना, पहले आप इसका डेल वी निकालना, इसका ग्रेडियंट निकालना, ग्रेडियंट निकालने के बाद आप इसका स्केलर निकालना, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट इन बिटवीन कभी यूज़ करने के लिए मिले तो उस टाइम पर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली एंड ऑफ दिस यूनिट वैक्टर आइडेंटिटीज़, वैसे तो आपको बहुत सारी वैक्टर आइडेंटिटीज़ मिल जाएंगी, है ना, मैं कोशिश करूँगा वैक्टर आइडेंटिटीज़ की एक आपको PDF भी दे दूँ मैं, तो आप चाहो तो नीचे एक WhatsApp नंबर होगा उस पर जाके देख सकते हो, तो एंड डिमांड कर सकते हो, मैं आपको PDF शेयर कर दूँगा सारे फॉर्मूलेस की और इनकी आइडेंटिटीज़ वगैरह की। तो डेल इंटू डेल क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू द जीरो डेल डॉट डेल डेल क्रॉस ए, एक्चुअली बोला किस तरह जाता है, कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट दैट इज इक्वल टू द जीरो, है ना, कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट इज इक्वल टू जीरो। दूसरा क्या बोलना है, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, और दूसरा कर्ल ऑफ ए कर्ल दैट इज ऑल्सो नोन एज BAC और CAB रूल, है ना, इसे BAC और CAB रूल भी बोलते हैं, तो ये भी यूज़ कर देना, इसको ए बोल देना, इसको बी बोल देना, सी बोल देना, तो ये कैसे निकल के आएगा, BAC, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड, दिस वन इज कॉल्ड CAB, है ना। तो ये जो है ये आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब डेल डॉट डेल यूज़ करो यू विल गेट डेल स्क्वायर, दिस इज लाप्लाशियन, तो फिर उसके बाद जब इससे ऑपरेट करोगे तो यू विल गेट डेल स्क्वायर, ये है ना। तो इस तरह करते हो, इसे BAC और CAB रूल भी बोलते हैं, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो वेक्टर आइडेंटिटीज़ है ये ध्यान में रखना, ये वाली जो आइडेंटिटीज़ है ये मैंने डायरेक्ट एग्जाम में कितनी बार पूछते हुए देखा है, ठीक है ना, इसको कितनी बार मैंने देखा है, तो इसको ध्यान रखना इस वाली आइडेंटिटी को, ठीक है। तो
उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मैंने कंक्लूसिव वे में मैंने पूरा वो ख़त्म कराने की कोशिश की है। मैंने ना इधर घुमाया है ना उधर घुमाया है, सीधा टू द पॉइंट आपको मैंने पूरी यूनिट ख़त्म करा दी है। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कुछ हमने सीधा है सीधा उन पर अप्लाई करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से। तो मैं जल्दी एक सीरीज ऐड कर दूंगा नया, है ना, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में गेट के ईएससी के या जो भी मिलते हैं वो ऐड कर दूंगा, या तो अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा या इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ताकि आप सभी लोगों को एकदम बेहतरीन कंटेंट, विश्वास मानो इस कंटेंट को कहीं भी जाके चेक कर लेना, अगर इसमें क्वालिटी में जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ मिल जाए तो बोल देना आप, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अवेलेबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसे ही है, वेरी 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 गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट, बिलीव मी, है ना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर लेक्चर्स अच्छे लगे हों, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय।